Hello kids, how are you? Welcome to today's maths class. Today we will do fractions. What is fraction? 1 by 2 means each part of one whole is divided into two equal parts. 1 by 2 ka matlab hai? Whole ke two equal parts karna. And each part is represented by 1 by 2. 1 by 4 means each part of one whole is divided into four equal parts. होल के कितने फोर इक्वल पार्ट किए एंड ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई वन बाय फोर थ्री बाई फाइव मीन्स थ्री पार्ट आउट ऑफ द फाइव इक्वल पार्ट इन टू विच द होल थिंग इज डिवाइड ये इसमें क्या है फाइव इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं एंड थ्री क्या है शेडेड है सो so, ये तीन पार्ट किस को रिप्रेजेंट करेंगे थ्री बाय फाइव जस्ट एज अबरल लाइक ट्वेंटी नेम्स अ होल नंबर सिमिलरली अ फ्रैक्शन लाइक वन बाय थ्री और टू बाई फाइव नेम द फ्रैक्शन नंबर यहाँ पे ये इक्वल कितने इक्वल पार्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट द फैक्टर रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट शेडेड कितने टोटल एट में से सिक्स शेडेड हैं तो सिक्स बाई एट सिक्स क्या है न्यूमरेटर अपर पार्ट क्या हो जाएगा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड लोअर इज डिनिनेटर नेक्स्ट इज इक्ल इन फ्रैक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इक्वल एंड इक्वल फिगर ए एंड बी शो दैट द सेम फ्रैक्शन पार्ट आर शेडेड फ्रैक्शन द नेम द सेम अमाउंट आर कॉल्ड फ्रैक्शन यहाँ पे थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है एंड ईच एक पार्ट शेडेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वन बाय थ्री यहाँ पे कितने हैं सिक्स में डिवाइडेड है सिक्स इक्वल पार्ट में एंड टू पार्ट शेडेड है

न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा इक्वल फ्रैक्शन जैसे कि वन बाई टू को क्या किया है ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई किया है थ्री से कर लीजिए फोर से कर लीजिए जो भी फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा इक्वल फ्रैक्शन दैट इज़ वन बाय टू को टू से किया ऊपर नीचे तो टू बाई फोर थ्री बाय सिक्स फोर बाय एट ऑल दीज आर इक्वल फ्रैक्शन नेक्स्ट इज फ्रैक्शन इन दिम्पलैस फॉर्म फ्रैक्शन इज टू बी इन दिम्पलस्ट फॉर्म इफ इट्स एंडिनेटर है लोएस्ट फॉर्म में कब होगा फ्रैक्शन जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा द फ्रैक्शन बाई नाइनटीन आज सेट टू बी इन दिपलेट फॉर्म इन वन बाई टू देर इज़ नो कॉमन फैक्टर ऑफ वन एंड टू एक्सेप्टन इट सेल्फ लाइक वाइज इन फाइव बाई सिक्स एंड सेवन बाई नाइन्टीन द कामन फैक्टर ऑफ फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन्टीन इज़ वन द फ्रैक्शन टेन बाई ट्वेंटी फाइव इज नॉट द सिंपलेट फॉर्म बिकज फाइव इज़ द कामन फैक्टर ऑफ टेन एंड ट्वेंटी फाइव तो लोएस्ट फॉर्म में कब होगा या सिम्पलस्ट फॉर्म में कब होगा जब उस पर वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म कीप डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर अंटिल द कॉमन फ्रैक्शन ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम वन एग्जाम्पल लेते हैं एक्सप्रेस सिक्स बाई एट एंड इट सिंपल फॉर्म कैसे करेंगे द फैक्टर ऑफ सिक्स के क्या क्या फैक्टर्स है टू वन टू थ्री एंड सिक्स एंड द फ्रैक्शन ऑफ एट क्या क्या है वन टू फोर एंड एट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का टू तो हम क्या करेंगे दोनों को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर नाओ थ्री और फोर में वन के अलावा कोई कॉमन नहीं है इन एक्चुअल प्रैक्टिस द डिविजन प्रोसेस इज शोन बाय कैंसलिंग आउट सिक्स एंड एट बाय टू सिक्स और एट को क्या किया है टू से डिवाइड किया है लास्ट में क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर तब तक हम करेंगे डिवाइड जब तक कि दोनों नंबर में वन के अलावा कुछ कॉमन और ना आए नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एटीन बाय थर्टी एटीन बाय थर्टी यहां पे करते हैं बोथ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय टू टू नाइन सा क्या हो जाएगा एटीन एंड फिफ्टीन नौ थ्री से डिवाइड हो जाएगा थ्री थ्री सा नाइन थ्री फाइव फिफ्टीन अब थ्री और फाइव में वन के अलावा कोई कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा थ्री बाय फाइव टू इज़ द कॉमन फैक्टर डिवाइड एटीन एंड थर्टी बाई टू यू गेट द क्वेश्चन नाइन बाय फिफ्टीन थ्री इज द कॉमन फैक्टर ऑफ नाइन एंड फिफ्टीन डिवाइड नाइन एंड फिफ्टीन बाई थ्री तो हमारा क्या आ जाएगा थ्री बाई फाइव ये हो जाएगी इसकी लोएस्ट फॉर्म नेक्स्ट इज सिंपलीफाइव वन एटी बाय फोर फोर्टी वन एटी बाय फोर फोर्टी को करना है सबसे पहले जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए अगेन ये दोनों नंबर टू से डिवाइड हो सकते हैं टू नाइन से एटीन ट्वेंटी टू अब देखिए नाइन और ट्वेंटी टू में वन के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगी इसकी सिंपलेस फॉर्म स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द लीस्ट कॉमन फैक्टर फर्स्ट डिवाइड बाय टू एंड देन बाय टू एंड लास्टली बाय फाइव तो इस तरीके से आ जाएगा नाइन बाई ट्वेंटी टू नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन क्या होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है जैसे कि सिक्स बाय सेवन वन बाय सेवन फोर बाय सेवन एंड फाइव बाय सेवन ऑल हैविंग डिनोमिनेटर है सेवन सबका डिनोमिनेटर सेम है द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा वो क्या कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन जैसे कि टू बाय फाइव फाइव बाई इलेवन वन बाई सिक्स अलेवन बाई थर्टीन डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन द फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन नेम अंबर लेस देन वन ऐसे नंबर जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो क्या कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि ज़ीरो बाई एट है वन बाई एट है टू बाई एट है थ्री बाई एट फोर बाई एट एंड फाइव बाई एट ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इसमें है वन ये किससे एट से छोटा है टू इज़ लेस देन एट थ्री इज लेस देन एट सो दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इन प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हो वो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे बड़ा हो वो क्या कहलाएंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नेम द नंबर वन और नेम अ नंबर ग्रेटर देन वन जैसे कि फाइव बाई फाइव पर क्या हो जाएगा वन सिक्स बाय फाइव सेवन बाई फाइव एट बाई फाइव एंड नाइन बाई फाइव इन ऑल केस फर्स्ट को छोड़ के फर्स्ट में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है बाकी सब में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर सो दीज आर इमप्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन अ मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शन कंबाइंड इन टू इट एग्जाम्पल लेते हैं वन वन बाई टू एंड टू थ्री बाय फोर ये किसके एग्जाम्पल होंगे मिक्स फ्रैक्शन के सेवन बाई सिक्स है इसको हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये क्या है इम प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमनेटर सो दिस इज इम प्रॉपर फ्रैक्शन वी विल चेंज दिस इमप्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिक्स सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स क्या हो जाएगा वन एंड वन बाय सिक्स तो ये हो जाएगा वन वन बाय सिक्स और सेवनटीन बाय सिक्स हम ऐसे भी कर सकते हैं सेवनटीन को सिक्स से डिवाइड किया सिक्स टू जा ट्रैक किया तो फाइव आ गया तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे टू फाइव बाय सिक्स ये क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन दिस वे वी कैन कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन वन वन बाय सिक्स एंड टू फाइव बाय सिक्स आर कॉल्ड मिक्स न्यूमरल और मिक्स फ्रैक्शन इन द मिक्स न्यूमरल वन पार्ट नेम अ होल नंबर टू जैसे कि टू क्या है होल पार्ट और इन फाइव बाय सिक्स क्या है फ्रैक्शन एज वी हैव शोन अबाउ

फोर क्या है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था थ्री जो है वो क्या था रिमाइंडर एंड फाइव डिवाइजर द मिक्स न्यूमरल इज चेंज इन टू इमप्रॉपर फ्रैक्शन बाय द फॉलोइंग मैथड अब मिक्स फ्रैक्शन को हम इमप्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे वो समझते हैं राइट सेवन फाइव बाय थर्टीन एज इमप्रॉपर फ्रैक्शन तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन इंटू थर्टीन और उसमें ऐड करेंगे फाइव तो ये हो जाएगा सेवन इंटू थर्टीन करेंगे नाइन्टी वन प्लस फाइव नाइन्टी सिक्स अपॉन थर्टी तो ये क्या हो जाएगा इमप्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द होल नंबर पार्ट बाय द डिनोमिनेटर एंड ऐड द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट सो दिस वे वी कैन चेंज मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम प्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट इज़ कंपेरिंग फ्रैक्शंस इफ़ टू और मोर फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन ऑफ द लैसर डिनोमिनेटर नेम द ग्रेटर नंबर लाइक सिक्स बाई एट है एंड सिक्स बाय नाइन दोनों में न्यूमरेटर क्या है सिक्स है तो जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या होगा छोटा होगा सो सिक्स बाई एट एंड सिक्स बाय नाइन में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है सिक्स बाय नाइन का तो वो क्या हो जाएगा छोटा सो सिक्स बाई एट इज ग्रेटर सिक्स नाइन फ़ टू और मोर फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर नेम द ग्रेटर नंबर अगर दोनों नंबर में डिनिनेटर सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा वो क्या होगा नंबर ग्रेटर होगा लाइक फाइव बाई सेवन एंड फोर बाय सेवन में कौन सा बड़ा है फाइव बड़ा है तो फाइव बाई सेवन इज ग्रेटर दैन फोर बाय सेवन एग्जाम्पल से समझते हैं विच इज़ ग्रेटर टू बाय थ्री और फोर बाय फाइव हेर यू कैन सी दोनों ही केस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले द कॉमन डिनोमिनेटर इन दिस केस विल बी टेकन एज द एल ऑफ थ्री एंड फाइव थ्री एंड फाइव जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालेंगे दैट इज़ फिफ्टीन सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन है टू बाय थ्री तो हम फिफ्टीन को थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फाइव फाइव को हम जो आएगा उसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू से और नीचे यहाँ पे थ्री से तो ये क्या हो जाएगा टेन बाई फिफ्टीन नेक्स्ट है फोर बाय फाइव फिफ्टीन को डिवाइड करेंगे फाइव से तो क्या आ जाएगा थ्री तो ऊपर नीचे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व बाय फिफ्टीन और यहाँ पे टेन बाय फिफ्टीन नाउ वी कैन सी दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वेल्व बाय फिफ्टीन इज ग्रेटर देन टेन बाय फिफ्टीन

टू बाई थ्री कहाँ पर आ रहा है यहाँ पे एंड फोर बाई फाइव यहाँ पे एज वी मूव राइट टू द नंबर लाइन तो क्या होता है वैल्यू बढ़ती जाती है तो फोर बाई फाइव क्या हो जाएगा इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री सेकेंड मैथड लेते हैं टू कंपेयर ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी फाइंड द प्रोडक्ट ए इंटू डी एंड बी इंटू सी इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी देन ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इफ ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए डी हो जाएगा एंड बी सी बी सी इज ग्रेटर देन ए डी देन अगर इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए और डी का प्रोडक्ट जो है वो क्या है सी और बी के प्रोडक्ट से छोटा है तो ये फ्रैक्शन जो है ए अपॉन बी वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा सी अपॉन डी से

फ़ाइव इंटू नाइनटीन किया और सेवन इंटू फोटीन किया तो ये जो है इसका प्रोडक्ट से ज़्यादा आता है तो ये फ्रैक्शन जो है बड़ा हो जाएगा दिस इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीसन एग्जाम्पल लेते हैं अरेंज द फ्रैक्शन फाइव बाई एट सेवन बाई ट्वेल्व एंड एलेवन बाय सिक्सटीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते क्रम में लगाना है अब बढ़ते क्रम में लगाना है तो हमें पता होना चाहिए सबसे छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है तो उसके लिए क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे इसके लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन का फोर्टी एट फर्स्ट है फाइव बाई एट फाइव बाई एट का डिनोमिनेटर एट तो फोर्टी एट को एट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स अब सिक्स को क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बाई को ऊपर भी सिक्स से करेंगे नीचे भी सिक्स से तो ये जाएगा थर्टी बाय फोर्टी एट इस तरीके से सेवन बाई ट्वेल्व में डिनोमीटर क्या है ट्वेल्व फोर्टी एट को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर आप ऊपर नीचे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी एट अपॉन फोर्टी एट ऐसी इसमें करेंगे तो थर्टी थ्री अपॉन फोर्टी एट हमने देखा तीनों का डिनोमीटर सेम हो गया है नाउ वी कैन कंपेयर न्यूमरेटर जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा

सो फॉर कंपेयरिंग अ नंबर सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा एलसीएम लेके दिस वे वी कैन कंपेयर अ नंबर सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन में हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वो समझते हैं टू एड द फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर सेम है एट द न्यूमरेटर कीप द डोमेटर सेम जैसे कि थ्री बाय सेवन प्लस टू अपॉइंट सेवन है डिनिटर तो सेम तो है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाय सेवन डिनोमिटर एज इट इज़ रहेगा टू सब्ट्रैक द फ्रैक्शन देट वी हैव सेम डिनेटर अगर डिनोमीटर सेम है तो हम कैसे सब्ट्रैक करेंगे न्यूमनेटर को सब्ट्रैक करेंगे जैसे एट बाई एवन माइनस फाइव बाई एटीन है तो डिनोमिनेटर को एलेवन लिख देंगे एट माइनस फाइव हो जाएगा थ्री थ्री बाय एलेवन टू एड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर फाइंड द एलसीयम ऑफ डिनोमिनेटर अब अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करने पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा देन ओनली वी कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है एड थ्री बाय फोर प्लस टू बाय फाइव यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर को ऐड करना है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सेम डिनोमिनेटर उसके लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा ट्वेंटी तो सबसे पहले जो फर्स्ट है थ्री बाय फोर जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है फोर हम क्या करेंगे ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे फोर से तो क्या आ जाएगा फाइव उस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से यानी थ्री से तो थ्री इंटू फाइव प्लस का साइन है प्लस आ गया देन फ़ाइव को डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये यह ट्वेंटी है ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे फाइव से तो क्या आ जाएगा फोर फोर इंटू टू तो ये हो जाएगा फिफ्टीन प्लस एट अपॉन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अपॉन ट्वेंटी दिस इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हो जाएगा वन थ्री बाय ट्वेंटी एक और एग्जाम्पल लेते हैं टू बाय फाइव प्लस सेवन बाई टेन प्लस एट बाय फिफ्टीन यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम क्या आ गया हमारा थर्टी अब कैसे करेंगे हमारा एलसीएम सी थर्टी आ गया है तो आप सबसे पहले लाइन बनाएंगे थर्टी नीचे लिख देंगे फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन क्या है टू बाई फाइव डिनोमिनेटर क्या है फाइव तो जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव ये जो थर्टी है उसको डिवाइड करेंगे फाइव से तो सिक्स आ जाएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी टू इन प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे नेक्स्ट हमारा सेवन बाई टेन और एलसीएम क्या था 30, थर्टी तो थर्टी को डिवाइड करेंगे टेन से थ्री आ जाएगा तो सेवन इंटू into... फिर प्लस का साइन देन फिफ्टीन थर्टी को डिवाइड करेंगे फिफ्टीन से तो टू आएगा टू इंटू एट नेक्स्ट चीज इसको सॉल्व करेंगे हम थर्टी यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर टू इंटू सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी वन प्लस सिक्सटीन तो ये कितना हो जाएगा हमारा फोर्टी नाइन अपॉन थर्टी अगेन दिस इज इम प्रॉपर फ्रैक्शन इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वन नाइनटीन अपॉन थर्टी तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे अब यहाँ पे हमें थर्ड है सब करना है टू बाय थ्री माइनस वन बाय फाइव अगेन डिनोमीटर सेम करेंगे एलसीएम लेंगे फिफ्टीन आ जाएगा डिवाइड करेंगे फिफ्टीन को थ्री से फाइव आ जाएगा टू इंटू फाइव माइनस वन इंटू थ्री टेन माइनस थ्री तो सेवन अपॉन फिफ्टीन आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल है फोर टू बाई सेवन प्लस टू फाइव बाई फोर्टीन प्लस फाइव फाइव बाई ट्वेंटी वन इसको ऐड करना है दिस इज़ मिक्स फ्रैक्शन इसमें एक होल पार्ट है एक फ्रैक्शन का है तो सबसे पहले होल पार्ट को ऐड करेंगे फोर प्लस टू प्लस फाइव उसके बाद फ्रैक्शंस को टू बाई सेवन प्लस फाइव बाई फोर्टीन प्लस फाइव बाई ट्वेंटी वन होल पार्ट को ऐड किया तो एलेवन आ गया अगेन डिनोमेटर सेम करने के एल लेंगे एल आ जाएगा आपका फोर्टी टू ये हो जाएगा टू इंटू सिक्स प्लस फाइव इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू टू इलेवन प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन प्लस टेन अपॉन फोर्टी टू तो ये हो जाएगा इलेवन प्लस थर्टी सेवन अपॉन फोर्टी टू तो आंसर क्या आ जाएगा एलेवन थर्टी सेवन फोर्टी टू तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं और टेन एट बाय सेवनटीन माइनस सिक्स इलेवन बाय थर्टी फोर अगेन जो होल पार्ट है उसको अलग से सब ट्रैक करेंगे टेन माइनस सिक्स हो जाएगा देन फ्रैक्शन वाला पार्ट हो जाएगा एट बाय सेवनटीन माइनस इलेवन अपॉन थर्टी फोर सब ट्रैक किया तो फोर आ गया देन थर्टी फोर लिया एट इंटू टू हो गया माइनस इलेवन इंटू वन ये हो जाएगा फोर प्लस सिक्सटीन माइनस इलेवन अपन थर्टी फोर फोर प्लस फाइव अपॉन थर्टी फोर ये हो जाएगा फोर फाइव बाय थर्टी फोर एग्जाम्पल और सब्ट्रैक फोर फाइव बाय सिक्स फ्रॉम एट एट में सब्ट्रैक करना है फोर फाइव बाय सिक्स तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम प्रॉपर में चेंज करेंगे यह हो जाएगा एट अपॉन वन क्योंकि नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर टे नहीं है तो हम वन लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन अपॉन सिक्स अगेन एलसीएम लेंगे सिक्स आ जाएगा तो एट इंटू सिक्स हो जाएगा माइनस का साइन है माइनस आ जाएगा ट्वेंटी नाइन इंटू वन ये हो जाएगा फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी नाइन अपॉन्ट सिक्स दैट इज़ नाइनटीन अपॉन्ट सिक्स क्या है इम प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में चेंज करेंगे थ्री वन बाई सिक्स आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई सिक्स थ्री बाई टेन माइनस टू थ्री बाई फोर माइनस वन टू बाई फाइव क्या करेंगे एलसीएम लेंगे टेन फोर एंड फाइव का दैट इज़ ट्वेंटी यहाँ पे क्या किया इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन को इम में चेंज किया है टेन इंटू सिक्स सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी थ्री अपॉन टेन हो जाएगा ये हो जाएगा एलेवन अपॉन फोर ये सेवन बाई फाइव एल लिया ट्वेंटी आ गया ये हो जाएगा सिक्सटी थ्री इंटू टू माइनस एलेवन इंटू फाइव माइनस सेवन इंटू फोर ये हो जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स माइनस फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी एट अपॉन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स ये देखिए दोनों माइनस के हैं फिफ्टी फाइव और ट्वेंटी एट तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा एट्टी थ्री 126 ट्वेंटी सिक्स का क्या साइन है कोई साइन नहीं मीन्स प्लस का है तो वन ट्वेंटी सिक्स में से एटी थ्री माइनस हो जाएगा यह आ जाएगा फोर्टी थ्री अपॉइंट ट्वेंटी और ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में टू थ्री बाय ट्वेंटी नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर्स फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इफ द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन इज चेंज द सम डज नॉट चेंज अगर आप फ्रैक्शन का ऑर्डर चेंज करें तो उससे सम चेंज नहीं होगा जस्ट लाइक सिंपल एडिशन जैसे कि वन बाय नाइन प्लस फाइव बाय नाइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव बाई नाइन प्लस वन बाय नाइन तो उससे उसके जो सम है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा टू बाय सेवन प्लस फोर बाय सेवन आप ऐसे भी कर सकते हैं फोर बाय सेवन प्लस टू बाय सेवन नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन द ग्रुपिंग ऑफ फ्रैक्शन इज चेंज द सम डज चेंज अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो जो सम है वो चेंज नहीं होगा लाइक वन बाई टू प्लस वन बाय थ्री ब्रैकेट के अंदर है प्लस वन बाय फोर आप ऐसे भी कर सकते हैं वन बाई टू को बाहर निकाल के ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं पहले फिर इसमें वन बाई टू कर दें वन बाय सिक्स प्लस थ्री बाई एट प्लस फाइव बाई ट्वेल्व आप इसकी ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं वन बाय सिक्स प्लस थ्री बाई एट इसको कर दिया प्लस फाइव बाई ट्वेल्व थर्ड है ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इफ़ ज़ीरो इज एडेड टू एनी फ्रैक्शन द सम रिमेन इन चेंज अगर किसी फ्रैक्शन में जीरो ऐड करेंगे तो सम वही होगा जैसे थ्री बाय फाइव प्लस ज़ीरो थ्री बाय फाइव वन सेवन बाई एट प्लस जीरो वन सेवन बाई एट ज़ीरो प्लस फाइव नाइन बाय अलेवन फाइव नाइन बाय अलेवन ज़ीरो ऐड करने से सम में कोई चेंज नहीं आएगा सो so, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने है एडिशन और सबट्रैक्शन के हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस अब हम समझेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वी विल यूज द पिक्चर मैथड टू लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन एग्जाम्पल वन है फाइंड वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय फोर फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ और रेक्टेंगल एंड शेड थ्री बाई फोर ऑफ इट येलो एज शोन हेयर यहाँ पे हमने क्या किया है फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया थ्री को येलो कर दिया है देन कलर वन बाय टू इसका जो हाफ है टोटल एट है उसमें से यहाँ पे जो हाफ पार्ट है इसका जो हाफ वो क्या कर दिया हमने हमने कर दिया उसको ग्रीन वन बाय टू ऑफ थ्री बाय फोर सो वन बाय टू इंटू थ्री बाय फोर क्या हो जाएगा थ्री इंटू एट द नंबर पार्ट कलर्ड बोथ येलो एंड ग्रीन एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट वन बाय टू मल्टीप्लाई थ्री बाय फोर तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया थ्री बाई एट ऑल्सो वी सी दैट वन बाय टू इंटू थ्री बाई फोर क्या हो जाएगा थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा फोर इंटू टू एट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना एक और एग्जाम्पल लेते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट वन बाय थ्री इंटू वन बाय फोर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर्स है डिनोमेटर का डिनोमेटर है वन इंटू वन वन हो जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा टू बाय सेवन इंटू फोर्टीन बाय फिफ्टीन तो हम क्या करेंगे फोर्टीन को टू से करेंगे सेवन को फिफ्टीन से तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट अपॉन वन हंड्रेड फाइव इसको कॉमन मैट उससे डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से यानी लोएस्ट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर बाय फिफ्टीन नेक्स्ट इज फिफ्टीन इंटू वन बाय सिक्स फिफ्टीन के नीचे डिनोमीटर कुछ नहीं है वी कैन राइट वन और मल्टीप्लाई बाय वन बाय सिक्स फिफ्टीन इंटू वन फिफ्टीन हो जाएगा वन इंटू सिक्स सिक्स अब क्या आ जाएगा फिफ्टीन अपॉन सिक्स थ्री से डिवाइड हो जाएगा थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री टू जो सिक्स इसको हम करेंगे इम प्रॉपर को मिक्स में टू वन बाई टू अ होल नंबर कैन ऑलवेज भी एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन विद डिनोमीटर वन नेक्स्ट थ्री वन बाई एट इंटू वन वन फिफ्टीन फर्स्ट हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा एट थ्री से ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव अपॉन एट और ये हो जाएगा सिक्सटीन फिफ्टीन अगेन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर का डिनोमेटर्स है तो ये क्या आ जाएगा इसको जब लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टेन बाई थ्री टेन बाई थ्री क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको मिक्स में चेंज करेंगे ऑलवेज चेंज इम प्रॉपर फ्रैक्शन इन टू मिक्स फ्रैक्शन ये हो जाएगा थ्री वन बाय थ्री फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स नंबर टू इम प्रॉपर फ्रैक्शन दैन मल्टीप्लाई एक और एग्जांपल लेते हैं सिमरन बोर्ड फोर बाय फाइव के जी ऑफ फ्लावर। शी यूज वन बाय थ्री ऑफ इट टू मेक बंस हाउ मच फ्लावर डिड शी यूज़ कितना यूज़ किया फ्लावर यूज बाय सिमरन टू मेक बंस वन बाई थ्री ऑफ फोर बाई के फाइव के जी तो वन बाय थ्री इंटू फोर बाय फाइव करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर बाय फिफ्टीन के जी नेक्स्ट एग्जाम्पल अंजू पे सम्रॉबेरीज यूज़ फाइव बाई सॉबेरी टू मेक जैम शी गिव थ्री बाय फोर ऑफ द रिमेंडर स्ट्रॉबेरी टू अर ब्रदर वट फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रॉबेरी डिड अंजूज ब्रदर रिसीव क्या करेंगे स्ट्रॉबेरी यूज फॉर मेकिंग जैम कितनी थी फाइव बाय सिक्स मतलब कितनी बच गई टोटल में से फाइव बाय सिक्स क्या किया जैम बनाने के लिए यूज़ की तो होल में से फाइव बाय सिक्स माइनस करेंगे तो वन बाय सिक्स अब क्या जो बची है यानी कितनी बची है थ्री बाय फोर उसने अपने ब्रदर को दिया तो थ्री बाय फोर वन बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाई एट मीन्स जो रिमेनिंग स्ट्रॉबेरी है उसका वन बाई एट पार्ट उसने अपने ब्रदर को दिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल स्मिता वर्क फॉर एट टू बाय थ्री आवर्स इन अ शॉप इफ शी ऑन रुपीज वन ट्वेंटी सिक्स पर आवर हाउ मच मनी डज शी ऑन इन ऑल टोटल कितना ऑन करती है इन वन आवर स्मिता ऑन रुपीज़ वन ट्वेंटी सिक्स इन एट टू बाई थ्री आवर्स स्मिता कितना ऑन करेगी तो क्या करेंगे पहले इसको जो टोटल पनी है वन आवर में ऑन किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे एट टू बाई थ्री से इसको हम चेंज करेंगे इन प्रॉपर में एट थ्री से ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रुपीज़ वन ज़ीरो नाइन टू मीन्स कितना ऑन करती है वन थाउजेंड नाइन्टी टू रुपीज नेक्स्ट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ होल नंबर टू फाइंड वन बाई फोर ऑफ सिक्सटीन डिवाइड सिक्सटीन इंटू फोर पार्ट ऑफ इक्वल साइज एंड कंसिडर वन ऑफ दिस पार्ट यहाँ पे क्या है टोटल सिक्सटीन बलून्स हैं उनको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ईच पार्ट में कितने आ गए फोर फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन

फोर फोर जो सिक्सटीन तो क्या आ जाएगा फोर एक और एग्जांपल लेते हैं थ्री बाय फोर ऑफ सिक्सटीन थ्री बाय फोर ऑफ सिक्सटीन यानी थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन तो ये हो जाएगा फोर फोर जो सिक्सटीन एंड फोर इंटू थ्री हो जाएगा ट्वेल्व फोर बाय फाइव ऑफ हंड्रेड तो फोर बाय फाइव को क्या करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर टू जो एटी एटी हो जाएगा टू वन बाय टू ऑफ वन ट्वेंटी एट पहले इसको चेंज करेंगे प्रॉपर में टू टू सा फोर एंड वन फाइव बाई टू फाइव बाई टू इंटू वन ट्वेंटी एट ये हो जाएगा टू सिक्स जो ट्वेल्व टू फोर ज़ा एट सिक्सटी फोर इंटू फाइव रुपीज थ्री ट्वेंटी तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ फ्रैक्शन रेसीपोकल रेसीपोकल मीन्स उल्टा किसी का द रेसीपोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग ऑफ फ्लिपिंग इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लाइक फाइव बाई नाइन एंड नाइन बाई फाइव आर रेसिपोकल ऑफ़ ईच अदर क्या क्या है यार जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया रेसिपोकेट कर दिया द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिपोकल इज ऑलवेज वन लाइक फोर इंटू वन बाय फोर फोर का रेसिपोकल क्या हो गया वन बाय फोर तो इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा वन हो जाएगा फोर बाय फाइव इसका रेसिपोकल क्या हो गया फाइव बाय फोर फोर से फोर फोर वन साफ फोर फाइव फाइव तो वन आ गया टू फाइंड द ऑफ न्यूमरल फर्स्ट कन्वर्ट इट इन टू एंड इम्रॉपर फ्रैक्शन जैसे टू वन बाय सेवन है मिक्स फ्रैक्शन है सबसे पहले क्या करेंगे इम प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहवन नाउ रेसिपोकेटेड ये क्या हो जाएगा सेवन बाय फिफ्टीन ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो रेसिपोकल जीरो का कोई रेसिपोकल नहीं होता बिकॉज आप जीरो को करेंगे तो भी जीरो ही आएगा डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय काउंटिंग नंबर्स टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय काउंटिंग नंबर्स मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय रेसिपोकल ऑफ नंबर एग्जाम्पल लेते हैं फाइन 4 बाय डिवाइडेड बाई 2 4 बाय को क्या करना है 2 से डिवाइड तो हम क्या करेंगे फोर बाय फाइव लिखेंगे और जिस नंबर से डिवाइड करें उसका क्या लिखेंगे रेसिपोकल पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे टू बाय वन है तो क्या हो जाएगा वन बाय टू 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 ज फोर तो ये हो जाएगा टू बाय फाइव जैसे कि वन थ्री बाय एट डिवाइडेड बाय सेवन सबसे पहले मिक्स को करेंगे इम में चेंज ये हो जाएगा इलेवन पॉन एट डिवाइडेड बाय सेवन जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको क्या करेंगे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे रेसिपोकेट करेंगे ये हो जाएगा वन बाई सेवन तो ये हो जाएगा एलेवन अपॉन फिफ्टी सिक्स डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन टू डिवाइड वन फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द डिडेंट बाय द रेसिपोकल ऑफ द डिवाइजर एग्जाम्पल समझते हैं फाइन फाइव बाई एट डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री फाइव बाई एट डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री तो हम क्या करेंगे फाइव बाई एट इन टू टू बाय थ्री को रसी पुकेट कर देंगे थ्री बाई टू हो जाएगा तो यह आ जाएगा फिफ्टीन बाय सिक्सटीन यहाँ पर हमें क्या करना है वन इलेवन बाई फिफ्टीन को डिवाइड करना है सेवन फोर बाय फाइव से अगेन इम प्रॉपर में चेंज करेंगे तो जाएगा ट्वेंटी सिक्स अपॉन फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थर्टी नाइन अपॉन फाइव अब क्या करेंगे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको in, करेंगे रेसिपोकेट तो ये फाइव बाई थर्टीन नाइन हो जाएगा ये हो जाएगा टू बाय नाइन तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं श्वेता पोर्ट फाइव बाय सिक्स लीटर ऑफ पाइनएप्पल एप्पल जूस इक्वली इनटू टू एट कप हाउ मच पाइनएप्पल एप्पल जूस वॉज देयर इन ईच कप कैसे करेंगे एक कप में कितना आता है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे फाइव बाय लीटर ऑफ टोटल कितना था फाइव बाय और कितने क्लास में डाला है एट कप्स में डाला है तो हम करेंगे फाइव बाय सिक्स डिवाइडेड बाय एट तो ये हो जाएगा फाइव बाय सिक्स मल्टीप्लाई का साइन आएगा एट का रेसिपोकेट हो जाएगा वन बाय एट तो ये हो जाएगा फाइव अपॉइंट फोर्टी एट लीटर सिंपल नेक्स्ट इज अ रिबन ऑफ लेंथ सेवन थ्री बाय फोर मीटर इज डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट ईच ऑफ लेंथ वन सेवन बाय ट्वेंटी फोर मीटर इंटू हाउ मैनी एक पार्ट इज द रिबन डिवाइडेड क्या करेंगे नंबर ऑफ पार्ट कैसे निकालेंगे टोटल लेंथ जो है रिबन की दैट इज सेवन थ्री बाय फोर और लेंथ ऑफ ईच पार्ट एक पार्ट की लेंथ कितनी है वन सेवन अप ट्वेंटी फोर अगेन हम इसको इमप्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी वन अपॉइंट फोर और ये हो जाएगा डिवाइड बाई थर्टी वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर अगेन इस नंबर को रेसिपोकेट करेंगे बीच कर तो so, so, में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हो जाएगा थर्टी वन अपॉन्ट फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर अपॉन्ट थर्टी वन ये कट जाएगा थर्टी वन से थर्टी वन फोर वन सा फोर फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिक्स सो द रिबन इज़ डिवाइडेड टू सिक्स इक्वल पार्ट तो इस तरीके से हमें डिविजन करना है आई होप आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह मल्टीप्लाई करना, करना, करना है ऐड करना है सब करना है डिवाइड करना है सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन Thank you